महक चाह कर भी अमन से दूरी खत्म नहीं कर पा रही थी। वे कहने को तो पति पत्नी थे, मगर अपने घर में भी अजनबियों की तरह रहने को मजबूर थे। आखिर क्यों, ऐसा क्या था उन दोनों में? तुम चुपचाप अपनी तरफ सोना, खबरदार जो सीमा लांघने की कोशिश की। महक ने अमन और अपने बीच एक तकिया रख दिया और पलट गई। वह अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी। उसे अपने ऑफिस वाली दोस्त पूर्वी की बातें याद आने लगी। पूर्वी के कहने का मतलब, मर्द अगर छोटे छोटे झगड़ों को सुलझाने या प्यार जताने के लिए आगे न बढ़ें तो सचेत हो जाना चाहिए कि उसके जीवन में कोई और आ चुकी है और किसी भी समय इस शादी के टूटने के लिए उसे मानसिक तौर पर तैयार रहना चाहिए। उसकी उठपटांग बातों ने दिमाग को और ख़राब कर दिया। बस यहीं से महक के मन में शक का बीज पड़ गया और वह अमन के मोबाइल और मेल पर नज़र रखने लगी। नतीजा सामने था। फ़ोन में अमन व रीमा की तस्वीर साथ देखकर सवाल करने लगी तो झगड़ा और बढ़ गया। अमन भी देर रात तक करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे पता था कि उसके परिवार का रहन सहन ठीक नहीं। उसकी माँ की शक्ति भी कुछ ज़्यादा ही है। कोई भी पढ़ी लिखी लड़की बेवजह की जिल्लत क्यों सहेगी? तभी तो वह महक के साथ अलग रहने के लिए तैयार हो गया। वह इस बात पर इतनी खुश हो गई थी कि रीमा के साथ की तस्वीर ने बीच में आकर बेड़ा गर्क कर दिया। जबकि रीमा अमन के स्कूल के समय की दोस्त है, दोनों के बीच दोस्ती से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। फिर भी उसकी बात पर झगड़कर महक ने आज फिर से मुंह फेर लिया। बारिश की एक दोपहर में ऑफिस से निकलती हुई वह रास्ते में मिल गई। तभी पता लगा कि रीमा के पिता बीमार हैं और वह अकेली ही उनकी देखभाल कर रही है। खुद ही अपनी परेशानियों में घिरी है, जिसके बारे में अमन कुछ जानता भी नहीं था। पुराने दोस्तों के मिलने की खुशी अलग ही होती है। उसने याद के लिए एक सेल्फी ले ली थी। अब वही तस्वीर झगड़े की वजह बन चुकी थी। अपने पक्ष में जितनी दलीलें दे रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। अपनी परेशान दोस्त को छोड़ भी नहीं पा रहा था। उसका जीवन चारों ओर से परेशानियों से घिर चुका था। दफ्तर से घर लौटता तो माँ के ताने सुनने पड़ते। जा बेटा, अपनी ज़िंदगी जी ले। बहन की शादी की तुझे क्या चिंता? जन्म मैंने दिया तो जिम्मेदारियाँ भी मेरी ही है। मैं फिक्र करता हूँ माँ, आप ऐसा ना सोचे। उन्हें दिलासे देकर जब महक तक पहुँचता तो उसकी शिकायतें का पिटारा खुल जाता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि ज़िंदगी में क्या करे कि सभी खुश रहे। जानता था कि शादी व प्यार मान मुहार से ही चलता है। पत्नी से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं, पर प्यार जताने के लिए माहौल भी तो होना चाहिए। अपने मन को मिनटों में कैसे बदले? जिंदगी है सिनेमा तो नहीं, जो स्विच ऑन ऑफ करते ही दृश्य बदल दे। मन महसूस कर महक को देखना चाहता तो तकिया बीच में आ गया। जिंदगी बड़ी ही उदास सी गुजर रही थी। क्या सोचा था और क्या पाया? इधर महक का तकिया भी आंसुओं से भीग चुका था। बराबर यही ख्याल आ रहा था कि अमन ने उससे शादी ही क्यों की अगर किसी और से प्यार करता था। फालतू में ही उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसके ऑफिस की सहेलियां अक्सर अपने पति की बातें करती नहीं थकती हैं। वीकेंड पर पति के साथ शॉपिंग करती हैं, बाहर खाना खाती हैं और उसके हिस्से में बस यही लिखा है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा। एक इस बात पर महक का मन बुरी तरह चिढ़ गया। उसकी ज़िंदगी उसकी ऑफिस और रसोई के बीच जाया हो रही थी। उसका भी दिल करता कि अमन कभी तो कहीं सरप्राइज दे। शुक्रवार को सीधे उसके ऑफिस आए और कम से कम एक शाम दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे। शादी को एक साल होने को आया, पर मजाल की अमन ने ऐसा कुछ किया या कभी कहा भी हो? दोनों कभी करीब आए भी तो महक की इच्छा जाहिर करने के बाद। अब हर बार जीत कर अपनी बातें क्यों मनवानी? अमन की भी ओर से कभी तो इशारा होना चाहिए जो यह दिखाए कि वह भी उसके प्यार में है। दिखने में तो वह इतनी ख़राब तो नहीं कि उसे छूने का जी ही ना करे। फिर भी अमन भूले से भी कभी पहल नहीं करता। वह कोई 16 साल की कमसिन कुंवारी तो नहीं कि सहमी सकुचाई सी रहे। ज़रूरतें उसकी भी है, मन उसका भी मचलता है। अब इसके लिए भीख नहीं मांग सकती। अगर वह उसके साथ ठीक रहता तो शक ना करती, पर इन परिस्थितियों में वह क्या कोई भी लड़की परेशान हो सकती है? सोचकर उसके आंसू थमते ना थे।
कहाँ उसकी सहेलियों की रोमानी जिंदगी और कहाँ उसकी यह रोमांस के बिना सूनी सड़कों सी रेंगती रेगिस्तानी जिंदगी। कुछ भी हो जाए अब वह और नहीं सहेगी। उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो गुस्से में आकर फिर से तकिया रख दिया। उसे अपनी बड़ी बहन का ध्यान आया, क्यों ना वह कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाए। सुबह होते ही अपना फैसला सुना दिया, मैं सारी उम्र चार दीवारी में कैद पक्षी की तरह नहीं जी सकती, बस अपना सोच रही हूँ, अपनी सुरक्षा पहले कर लूँ, यहाँ पागल होने से अच्छा है दीदी के पास चली जाऊँ। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, दरअसल मम्मी के मन में वहम है कि हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी तो बहन की शादी की बात दरकिनार हो जाएगी। बेटी से इतना प्यार कि बेटे की खुशी देखी नहीं जा रही, फिर तो तुम्हें बहन की शादी कराकर ही अपनी शादी करनी चाहिए थी। हाँ कोशिश की थी मगर ढंग का रिश्ता भी तो मिलना चाहिए। हाँ तो ढूंढो ना, जब सारी जिम्मेदारियाँ निभा लोगे तब मुझे लेने आना। महक ने भी मन खोल कर रख दिया, वह किसी हाल में झुकने को तैयार ना थी। ऑफिस व घर के काम का बोझ तो सह भी लेती अगर अमन के प्यार का मरहम लगता, शायद वह अपने ही परिवार के व्यवहार से दुखी था। माँ और बहन पहले ही उसे नहीं समझ रहे थे और अब महक भी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने बहुत हाथ पांव जोड़े पर वह रुकने के लिए कतई राजी ना हुई। समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वह अपने परिवार का इकलौता लड़का था, शादी के लिए छोटी बहन कुंवारी थी। माता जी की इच्छा थी कि पहले बेटी के हाथ पीले कर दें फिर बेटे की शादी हो। लड़की के लिए अच्छे परिवार का रिश्ता आया तो मना नहीं कर पाई। बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न करने के बाद ही बहू घर लाना चाहती थी। उनके मन में एक ही डर था कि बहू उनके बेटे को अपने रंग में रंग ना ले, इसीलिए वे शादी टालना चाहती थी। मगर सगाई के कुछ ही दिनों बाद जब लड़की वाले शादी के लिए जोर देने लगे तो उन्होंने बड़े ही बेमन से रजामंदी दे दी। कहीं ना कहीं वे बुरी तरह से खार खाए रहती जब तक बहू की लगाम कसने की फिराक में रहती। अमन आज जी भर कर प्यार करना चाहता था। ठीक है कि अभी तक उसने परिवार को अपने प्यार के ऊपर प्राथमिकता दी थी, तभी तो खुलकर कदम नहीं बढ़ा सका था, अपने प्यार का सलीके से इजहार तक नहीं कर पाया था। क्या करता आखिर, ऑफिस से सोचकर घर आता कि महक के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा, पर माँ के व्यंग और महक की नाराजगी से टूट जाता। बात करेगा तो बात बढ़ेगी और घर वालों के उनके बीच की दूरियों का पता लग जाएगा, यही सोचकर मन महसूस कर रह जाता। बीबी को यह भी नहीं समझ पाता कि बेगम शादी की है आपसे, पुराने इश्क में दम होता तो शादी क्या ही करता। मैं तो खाली दिल और जज्बा लेकर जुड़ने आया था, आप ही जुड़ ना सकी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम नहीं जुड़े या आपने बेरुखी दिखाई। आज दोनों के मन में अपने विचार चल रहे थे, कुछ मत सोचो, सब भूल कर बस प्यार करो। अमन की यह बातें सुनते ही पति की गोद में पड़े लैपटॉप यानी अपनी सौतन को हटाकर वह नज़दीक आ गई। सच पति पत्नी का रिश्ता बेहद तरंग होता है। सच कहूँ तो कुदरत भी जोड़ों के बीच आना पसंद नहीं करती। दिए बाती के इस संबंध में अंदर ही अंदर प्रेम की अगन होती है जो दो दिलों को रोशन करती है। फिर क्यों लोग उनके बीच झगड़े की आग सुलगाते हैं? शायद लोगों के अंदर सुरक्षा की आग लपटे ले रही होती हैं, तभी तो प्रेम के करने वाले उन्हें रास नहीं आते। बाहरी लोगों से तो फिर भी बचा जा सकता है, पर नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए कोई क्या करे। ऐसे दिल जलों की जलन की आग में ना जाने कितने नवयुगल अक्सर झुलस जाते हैं। घर में ही समस्या सुलझ जाए तो कोई अलग घर क्यों बसाए। कभी कभी आपसी आंधी तूफान से बचाने के लिए अलग आशियाना बनाना पड़ता है, ताकि अपने प्रेम की टिमटिमाती लौ को बुझने से बचाया जा सके। उसे हर हाल में जलाए रखना बस अपने ही बस में है। यही सोचकर दोनों ने फैसला लिया कि अब प्राथमिकता के आधार पर रिश्ते निभाए जाएंगे। तकिए ने अपना स्थान ले लिया, उनके बीच उसके लिए कोई जगह नहीं रही।